खजुराहो थाना अंतर्गत बढ़ रही हैं चोरियों की वारदातें। खजुराहो थाना अंतर्गत ग्राम लखेरी और नयागांव के कुछ ग्रामीण जनों ने थाना खजुराहो पहुंचकर लगातार हो रही चोरियों पर लगाम लगाने हेतु थाना खजुराहो में शिकायती पत्र सौंपते हुए चोरों की धरपकड़ करने हेतु मांग की है। ग्राम नयागांव निवासी श्रीमती गोरी बाई रैकवार ने थाना खजुराहो में आकर बताया कि उनके घर से खाने पीने सहित बर्तन, टीवी और कुछ कीमती सामान चोरी हो गए हैं। चूंकि वह जम्मू में रहती है, जम्मू से कोरोना काल के कारण अभी वह 2 दिन पहले जब अपने गाँव पहुँची तो उन्होंने देखा कि घर के सभी गृहस्थी का सामान गायब है, जिसे देखकर वह हैरान रह गई। इसी तरह ग्राम लखेरी के गणेश प्रसाद सोनी, दीपक सोनी, सुरेंद्र शुक्ला, सुंदरलाल शुक्ला ने भी बताया कि उनके घरों के शानकर का कुंदा तोड़कर चोर अंदर घुसे। हालांकि उनके घर से कोई सामान चोरी नहीं जा सका क्योंकि वह जाग गए और उन्हें जागा समझ चोर वहां से भाग निकले। इन्होंने चोरी के साथ किसी और भी अनहोनी की आशंका व्यक्त की है कि कहीं यह लोग किसी और दुर्भावना के साथ तो नहीं आए। अतः इन लोगों ने न सिर्फ चोरी बल्कि जान माल के खतरे की भी संभावना व्यक्त की है। ग्राम लखेरी निवासी ही गोविंद कुशवाहा ने उनकी बकरी चोरी होने का भी शिकायती आवेदन थाना खजुराहो में दिया है। अतः लगातार हो रही चोरियां निश्चित रूप से चिंताजनक है। हालांकि थाना खजुराहो प्रभारी संदीप खरे ने तुरंत ही पुलिस बल को भेजकर संदिग्धों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया है। देखते हैं चोरियों की वारदात करने वाले यह आरोपी आखिर कब तक पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं। गणेश प्रसाद स्वामी कौन से गाँव से? लखेरी। क्या हुआ? हमारे अंदर की जो सांकर थी वो काटी गई। घर की तो कोई सामान वामान कुछ नहीं? सामान नहीं गया, बस सांकर और काटी गई। हम लोग जग गए। अच्छा, तो आप लोग जग गए तो चोर भाग गया क्या? हाँ, चोर भाग गया। आपने रिपोर्ट लिखा दी थाने में? अब जगह आए हैं, अवेलेबल है। तो कुछ संदेह भी किसी पर है क्या आपको? अब संदेह कौन देख पाया? देख नहीं पाया। भाग गया घर से? भाग गया। जैसा कुछ सामान नहीं गया? चोर सामान नहीं। कुंदा सर, ये कुंदा कटा हुआ है। ये कुंदा है सर, यहाँ से सर काटा हुआ है। अच्छा, अंदर से काटा है सर। कितने बजे घटना है रात को? 2 बजे की। 2 बजे की क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे यहाँ से जो है खेत से बकरी चली गई। कितनी बकरी? एक। तो किसी पर संदेह है आपको? नहीं। रिपोर्ट लिखा दी आपने? हाँ। कितने दिन पहले गई? रविवार को गई, 4 तारीख को। कौन से गांव? लखेरी। लखेरी। कहाँ से? लखेरी। क्या हो गया आपका? हम गेट को कुंदा कटे और गेट खुलू मिले सुबह सुबह। तो कुछ सामान गया क्या? नहीं, कुछ नहीं गया। बस कुंदा भर कटा? कुंदा भर कटा है। बाहर से कुंदा कटा है, अंदर से खिड़की खोली है, अंदर बढ़ते। तो ये जब आप जाग गए थे कि तो भाग गया कैसे? कुछ नहीं, हम कोई पता नहीं चला है हमको, तो सुबह पता चलो 6 बजे सवा छः। कुंदा कटा मिला? हाँ। तो चोरी कुछ नहीं हुई? हाँ, चोरी आज नहीं हुई सर। चोरी लेकिन चोरी आज नहीं हुई, लेकिन चोरी हो सकती है। चोरी के लिए किया है सर, आज नहीं जगते अगर समय पे तो चोरी बड़ी वारदात हो जाती, बड़ा अंजाम दे देती। वो लोग तो मारते कूदते सब कुछ करते थे, सब कुछ लेने के लिए आई थी। कहाँ से है? नए गाँव लखेरी से। गोरी भाई एक बार नए गाँव से। क्या हो गया? चोरी हो गई जी, कुछ नहीं बचा घर में। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं बचा घर में। क्या क्या चोरी किया? टीवी हो गई, पीतल के बासन हो गए, जितना दहेता कुछ नहीं है, पंखा, साड़ी, कपड़ा, कम्बल, कुछ नहीं बचा घर में, समझे फटे कपड़े बचे हैं। आपको कब पता चला चोरी? हम पंजाब में रहते हैं जी, कोरोना की वजह से आए नहीं है। हम आए आज सवेरे, जब देखा जब साले ताले आले कपड़े अपने सारे भीतर, कुछ नहीं बचा, कम से कम 1.5 लाख का सामान ले गया है। 1.5 लाख का? हाँ। आपने रिपोर्ट लिखा दी थाने? हाँ जी, लिखा दी। क्या कहा साहब ने? वो साहब बोले हम सवेरे देखेंगे। तो सामान में क्या क्या गया आपका? पीतल के सामान है, कम से कम 5 थाली है, 5 लोटा है, टीवी है, पंखा है, कम्बल है, और सब घर में क्या क्या नहीं सामान, और दाल भी है दुकान पर, दाल भी बेची। खाने पीने का भी सामान गया है? खाने पीने का सामान कड़ाही है, बर्तन बनाने के पीतल ही पीतल का गया है, टीवी भी है, पंखा भी है, और इतना बड़ा भगोना है, लोटा है पीतल के, घना सामान ये घर में क्या नहीं। दाल भी गई दुकान पे, दाल भी बेची नेता महाराज की दुकान पे, और ने सोचा कि ये जबे है ना, तो जबे, उसने सोचा कि जबे हो धान थी, तो दुकान पे ले गए, दुकान वाले ने उल्टी वापसी गए।